नमस्कार सभी किसान भाइयों को, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। किसान भाइयों, मेरा नाम है देव भारद्वाज और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी फार्मिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत तगड़ा आपको प्रॉफिट देने वाली फार्मिंग है। इस फार्मिंग के अंदर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। क्या कि किसान भाइयों, आज की वीडियो के अंदर हम बातचीत करने जा रहे हैं मोरिंगा फार्मिंग के ऊपर। दोस्तों, मोरिंगा को आप ड्रम स्टिक, सैजन या फिर सैजना नाम से भी जानते हो। किसान भाइयों, जो ये फार्मिंग है, जो भारत के जो किसान भाई है, चाहे किसान भाई कोई बड़ा किसान भाई हो या फिर छोटा किसान भाई हो, आप इसको कर सकते हो आराम से और बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास जमीन ज्यादा है, जैसे कि भारत के अंदर पंजाब हरियाणा के जो किसान भाई है उनके पास जमीन अधिक मात्रा के अंदर है, तो वो किसान भाई अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर हम अपने फार्म हाउस के अंदर कौन सी मतलब फार्मिंग करें, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस ये फार्मिंग है। क्योंकि इस फार्मिंग के अंदर आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, इस फार्मिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुख्य तौर पे बीज का खर्चा आता है और बाकी इसके अंदर कम तो पानी लगता है और बहुत ही कम मात्रा के अंदर इसके अंदर फर्टिलाइजर लगता है, मतलब हल्का फुल्का इसके अंदर फर्टिलाइजर डलेगा और लेस वाटर के अंदर भी ये मोरिंगा फार्मिंग सक्सेस है। किसान भाइयों, अगर आपके अंदर आपके खेत के अंदर पानी की कमी है तो आप इसको भी कर, इस फार्मिंग को आप अपना सकते हो। ये फार्मिंग कम पानी के अंदर भी आराम से हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और किसान भाइयों, इस फार्मिंग के अंदर भी आपको बहुत सारी मोरिंगा फार्मिंग के अंदर भी आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी। मोरिंगा की अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी, ड्रम स्टिक की अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। तो उस वैरायटी के अंदर से मैंने ओडीसी 3 नाम की एक वैरायटी है उसको मैंने चूज करा है। क्योंकि ये जो ओडीसी 3 वैरायटी किसान भाइयों, इसके अंदर आपको मतलब प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसका फ्रूट का प्रोडक्शन ज्यादा आएगा और जो इसकी जो फ्रूट आएगी इसकी साइज बहुत अच्छी आएगी, मतलब लंबी साइज आएगी और पतली साइज आएगी। इसकी जो फली आएगी लंबी और पतली आएगी, तो इसलिए इसकी मतलब ओडीसी 3 की ये मैंने चॉइस है मेरी। तो आप ये भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छी बेस्ट वैरायटी है। मैं तो अपने फार्म हाउस के अंदर यही वैरायटी लगाने जा रहा हूँ, तो ये मैंने बीज मंगवाया। किसान भाइयों, अगर आपको ये बीज चाहिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं आपके डाक द्वारा आपके घर तक मैं पहुँचा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरे। और किसान भाइयों, इस वैरायटी की मैं आपको खासियत बता देता हूँ, क्या कि कंपनी ने इसके पीछे लिख के दिया है कि इसकी क्या क्या खासियत है, तो मैं आपको ईजी लैंग्वेज के अंदर समझा देता हूँ। इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर तो लिख रखा है, जब आप इस बीज को लगाओ तो बीज लगाने से पहले 15 से 18 घंटे तक इसको पानी के अंदर भिगो देना है इस बीज को। क्योंकि ये थोड़ा टाइट आएगा, बीज थोड़ा हार्ड आएगा तो थोड़ा लूज हो जाएगा, फिर जर्मिनेशन के अंदर आराम से इजीली जर्मिनेशन हो जाएगा ये बीज, अगर आप इसको 15 से 18 घंटे तक पानी के अंदर भिगो के रखते हो तो। जब आप इसको बीज को लगाओ तो ज्यादा से ज्यादा 1 इंच तक इसको जमीन के अंदर लगाए, नहीं तो फिर क्या जर्मिनेशन के अंदर दिक्कत आएगी। ये ओडीसी 3 वेराइटी, इसकी फीचर्स की अगर बात करें तो इसका जो फ्रूट आएगा ये बहुत ही टेस्टी आएगा और बहुत ही शाइनी आएगा, यानी इसके अंदर चमक भी बहुत ही अच्छी आएगी और ये बहुत ही टेस्टी फूड रहेगा। और जो इसकी फ्लोरिंग आएगी वो 3 से 4 महीने के बाद इसकी फ्लोरिंग आएगी और 6 महीने के अंतराल आपकी जो ये पहली हार्वेस्टिंग आप ये ले लोगे। तो किसान भाइयों, और इसकी प्लांट की ग्रो की इसकी प्लांट की हाइट की अगर अपन बात करें तो 8 से 10 फीट की इसकी हाइट आएगी। प्रोडक्शन आएगा ये साल के अंदर आपको 2 बार प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, अगर आप इसके अंदर अच्छा खाद डालते हो, अच्छी क्वालिटी का खाद डालते हो तो साल के अंदर 2 बार इसका आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और इसका अच्छा तो कलर आएगा और जो इसकी जो साइज आएगी एकदम मीडियम आएगी, मतलब जो मार्केट के अंदर डिमांड रहती है उसी साइज का इसके अंदर जो फलिया आएगी, जो इसका फ्रूट आएगा उसी साइज का इसका फ्रूट आएगा किसान भाइयों। और जो अब आप सीड को जब आप लगाओगे तो 5x7 पे लगाना 5x7 फीट के ऊपर लगाना और 1 एकड़ के अंदर 1240 के करीब हम इसके अंदर पौधे लगते हैं इस मोरिंगा के किसान भाइयों, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी अमाउंट है। भारत के साथ साथ इस मोरिंगा की डिमांड विदेशों के अंदर भी है, भारत से ये एक्सपोर्ट भी होता है और विदेशों तक इसको सप्लाई करते हैं। किसान भाइयों, इसकी फलिया की इतनी डिमांड है कि जो ये इसकी फलिया मार्केट के अंदर भी बिक जाती है, मतलब मंडियों के अंदर भी इसकी फलिया आराम से बिक जाती है। और इसके क्या है कि साग सब्जी बनाने के अंदर ये मोरिंगा की फलिया काम में आती है और इसके आयुर्वेदिक के अंदर भी इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है। आयुर्वेदिक के अंदर इसकी अलग अलग प्रकार की दवाएं बनती है जो कि बहुत ही उपयोगी मानी गई है, तो आयुर्वेदिक के अंदर भी इसकी बहुत सी डिमांड है। और इसकी फलियों के बारे के अंदर तो मैंने बता दिया इसकी कितनी डिमांड,
प्लांट है, तो इसके अंदर जो ये फूल वगैरह आएंगे, जो इसके अंदर फ्लावरिंग आएगी, जो इसके अंदर फूल वगैरह भी आएंगे, तो फूल भी आराम से मार्केट के अंदर बिक जाते हैं। और फिर उसके अंदर जो जो पत्ती आएगी, किसान भाइयों अगर आप पशुपालन करते हो तो आप अपने जानवरों को, अपने पशुओं को ये फल, ये जो इसकी पत्ती आएगी वो पत्तियों का हरा चारा के रूप में भी आप इस्तेमाल ले सकते हो, या फिर इन पत्तियों के क्या है कि अलग अलग प्रकार की जो टी बनती है यानी ग्रीन टी के तौर पर भी ये काम में आ जाते हैं। इसकी पत्तियों को आप सुखा के फिर प्रोसेस करके और फिर ये टी के अंदर भी काम में आ जाता है, जो कि इसकी आजकल के इस टाइम के अंदर कोरोना के जाने के बाद इसकी मतलब डबल से भी डबल ज़्यादा डिमांड हो गई है। क्या है कि इसके अंदर बहुत से पोषक तत्व न्यूट्रिशन पाए गए, तो इसकी डिमांड भी, मोरिंगा टी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो इसकी जो टहनी आएगी, जो इसकी ब्रांचेस आएगी, जो कि ईंधन के काम में भी आ जाती है, मतलब जो चूल्हा वगैरह में अपन जो बाट वगैरह ये बनाते हैं ना, मतलब सब्जी वगैरह रोटी वगैरह, तो ये बनाते हैं ना ईंधन के रूप में भी, जो ये लकड़ियाँ, जो इसकी लकड़ियाँ होगी वो ईंधन के रूप में भी काम में आ जाएगी। यानी जो ये मोरिंगा का टी है, ये जो ये मोरिंगा का ट्री है, ये कम्प्लीटली काम में आ जाएगा। एक भी चीज़ इसकी वेस्टेज नहीं है, ये हर तरीके से आपको मतलब मुनाफा ही मुनाफा देगी। मेरी तो ये रहेगी आप एक बार ये मोरिंगा भी लगा के देखें, इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। तो किसान भाई कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।